हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लवी किचन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्टफ्ड आलू पराठा रेसिपी। इसे आप नाश्ते में या किसी भी सब्जी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले आलू का पराठा बनाने के लिए हम लेंगे गेहूँ का आटा 3 कप, और इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक या स्वाद अनुसार नमक ले लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोनों चीज़ों को और इसका एक सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करेंगे। ये देखिए डो अच्छे से लगकर तैयार हो चुका है, तो अब हम इसे ढककर रख देंगे। और अब हम लेंगे बॉयल आलू। ये मैंने 7 से 8 आलू लिए हैं। इसको हम अच्छे से मैश्ड कर लेंगे और इसमें अब हम डालेंगे कटी हुई प्याज, बारीक कटी हुई 2 हरी मिर्च, नमक अपने स्वाद के अनुसार ही ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच इसमें डालेंगे हम अमचूर पाउडर। और अब हम थोड़ा सा धनिया बारीक कटा हुआ डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम थोड़ा सा हाथ पर घी लगाकर इसकी इस तरह से कुछ बॉल बना लेंगे। ये देखिए, ऐसे ही हमने सारी आलूओं की बॉल बना ली हैं। तो अब हम थोड़ा सा आटा लेंगे और इस तरह से करते हुए गोल लोई बना लेंगे और इस पर थोड़ी सी सूखा आटा डालेंगे और इसको अच्छे से बेल लेंगे। अब हम इसमें 1 आलू की बॉल रखेंगे और इसको अच्छे से बंद कर देंगे। ये देखिए, ऐसे करने से जो पराठा है वो बिल्कुल फटेगा नहीं और पराठा बिल्कुल क्रिस्पी और स्वादिष्ट बनेगा। अब हम एक तवे पर थोड़ा सा तेल डालेंगे और उस पर डालेंगे हम पराठा, थोड़ा सा चारों तरफ हम इसके तेल डाल देंगे। और अब हम ये देखिए पलट देंगे इसको, इस तरह से पलट पलट के इसको सेकते रहेंगे। ये देखिए कितना क्रिस्पी और स्वादिष्ट पराठा बना है। अब हम एक प्लेट में सर्व कर लेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं पराठा जो है वो एकदम रेडी है। और थोड़ा सा इसमें देसी घी लगाएंगे इस तरह से। पराठे पर देसी घी लगाने से क्या होता है कि जितना पराठा दिखने में अच्छा लगता है उतना खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो आई होप कि आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ साथ में बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। फिर मिलूंगी एक और न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।